भागलपुर पुलिस अधिकारी ये निश्चित रूप से वही पर वह जनसूचित के लिए वही किसी भी पुलिस कर्मी का वह बालू माफिया वह जमीन माफिया शराब माफिया और अपराधियों को भी वह किसी भी प्रकार की साठगांठ ना हो और इस तरह के मामले में संकल्पित पुलिस कर्मी वह लंबित कठोर कार्रवाई हो और इसके साथ ही पुलिस कर्मी आम लोगों के साथ कुशल व्यवहार करे और अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आए। और रोहतक बातें सूबे के पुलिस के मुखिया गतेश्वर पांडे ने कही है और वह उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आम लोगों के साथ भाईचारे और वह सम्मान के साथ कुशल व्यवहार करने और आरोपियों को भी बेधकेल कर दबोचने का निर्देश दिया है। जहां आपको बताते चले डीजीपी गतेश पांडे काली पूजा के सुरक्षा तैयारियों और वह जिला कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करने भागलपुर पहुंचे थे और वहीं पर वह डीजीपी के लिए भागलपुर पहुंचते ही पुलिस विभाग के सनसनी फैलती है। जितने भी त्योहार हुए हैं ऐतिहासिक ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। एक जगह थोड़ा सा पिछले दशहरा में लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, तुरंत उसको रोक लिया गया। काली पूजा का त्यौहार है तो मैं विधि व्यवस्था की समीक्षा करने आया था। इसके अलावा मैंने अधिकारियों से बताया, जितने भी थे हमारे डीआई साहब थे हमारे एसएसपी साहब थे, सब लोगों से मैंने यही कहा कि भाई अधिकारियों को बोलिए आम जनता के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, अपराधियों को लोग दौड़ाएँ। किसी भी आम आदमी के साथ कोई पुलिस पदाधिकारी दुर्व्यवहार करे इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने ये बताया कि जुआ का धंधा, लॉटरी का धंधा, गेसी का धंधा, बालू का धंधा, जमीन का धंधा, इस तरह के अवैध कार्यों में अगर किसी पुलिस कर्मी की कोई संलिप्तता प्राप्त हुई उसके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी कठोरतम कार्रवाई करें। तो कोई शराब का धंधा कर रहा हो, कोई उसमें सहयोग कर रहा हो, इस तरह की शिकायतें भी कभी कभी मिलती रहती हैं। तो शराब का धंधा, ड्रग का धंधा, अफीम का धंधा, जुआ का धंधा, लॉटरी का धंधा या किसी तरह का अवैध वसूली का धंधा या बालू गिट्टी का धंधा, अगर इस तरह के अवैध कार्य में कोई पुलिसकर्मी पाया जाए संलिप्त, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अपराधियों के प्रति सख्ती होनी चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव हर हाल में बनाए रखना चाहिए। इतनी बात। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को